1. नमस्कार, मैं हूं नरेश रागानी और आप देख रहे हैं होराइजन इन न्यूज़। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। प्राइवेट गाड़ियों द्वारा बस स्टैंड के बाहर से सवारियां बैठाने को लेकर रोडवेज कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, पुलिस कप्तान से कार्रवाई करने की करी मांग। काफी समय से प्राइवेट गाड़ियां बस स्टैंड के बाहर से ही सवारियों को लेकर निकल जाती है, जिसकी वजह से रोडवेज को घाटा हो रहा है। इसी मामले को लेकर रोडवेज के कर्मचारियों ने और मजदूर संघ ने कलेक्टिव पर प्रदर्शन किया और पुलिस कप्तान को इस मामले पर जल्द कार्रवाई करने की मांग की। इनका कहना है कि बीच में एक बार प्राइवेट टैक्सियां बस स्टैंड के बाहर लगना बंद भी हो गई थी, लेकिन अब फिर से प्राइवेट टैक्सियां बस स्टैंड के बाहर खड़ी होना शुरू हो गई है और सवारियों को लेकर निकल जाती है। केंद्रीय बस स्टैंड के बाहर काफी लंबे समय से ये अवैध वाहनें और टैक्सियां खड़ी होकर के और रोडवेज पे जो बस स्टैंड पर हमारा यात्री बाहर आता है उसको जबरन अपनी गाड़ियों में बैठा करके ले जाते हैं, जिस कारण से राजस्थान रोडवेज के यात्री बाहर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। हमारे जो चालक परिचालक हैं उनमें और इन प्राइवेट वाहनों के चालक परिचालकों में सवारियों को लेकर के कभी कभी विरोधाभास रहता है, जिससे कभी भी कोई अप्रिय घटना होने की संभावना बनी रहती है। हमने पूर्व में भी जिला प्रशासन से मिलकर के अवगत कराया था और बीच में इन पर अंकुश भी लगा था, लेकिन कुछ दिनों से ये लोग पुनः हमारे बस स्टैंडों के बाहर आकर के खड़े होकर के और इस पुनरावृत्ति करने लगे हैं, जिस कारण से आज हमारे सभी श्रमिक संगठन मिलकर के एक ज्ञापन माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को देने आए हैं। उनकी जानकारी में ये लाए हैं और उनसे आशा भी करते हैं कि शीघ्र ही इस पर कार्रवाई होगी। मैं आनंद सिंह नयाल, प्रदेश उपाध्यक्ष फेडरेशन भारतीय मजदूर संघ। रेलवे स्टेशन का रोड वन वे होने की वजह से व्यापारियों को हो रहा है घाटा। इंदिरा गांधी स्मारक के सामने रोड धस जाने के बाद चल रहा है निर्माण कार्य। रेलवे स्टेशन के पास इंदिरा गांधी स्मारक के सामने रोड धस जाने के बाद व्यापारियों की शिकायत के बाद उसका निर्माण कार्य तो शुरू हो गया, लेकिन कार्य अभी 15 से 20 दिन तक लगातार चलेगा, जिसकी वजह से व्यापारियों को भारी घाटा हो रहा है। व्यापारियों का कहना है कि निर्माण कार्य की वजह से ग्राहक दुकानों पर नहीं पहुंच रहे, जिसको लेकर टीआई सुनीतो गुजर को भी शिकायत की गई थी, जिसके बाद उन्होंने बीच में रेलिंग को लेकर एडीए को पत्र लिखने की बात कही और जल्द इस पर कार्रवाई करवाने का व्यापारियों को आश्वासन दिया। कौन सी जगह और क्या प्रॉब्लम है? सर, स्टेशन रोड पर अंधेरी पुलिया, जो कि एक इंटरनल नाला बना हुआ है मोनिया स्कूल से लेकर अंधेरी पुलिया में जो ज्वाइंट होता है, साथ में इलेक्ट्रिक केबल, पानी की पाइपलाइन भी जारी है और ये सड़क काफ़ी टाइम से धस रही थी, जिसको हमने पूर्व में 3-4 बार PWD को मजबूर करके यहाँ गड्ढा भरवाया था, लेकिन ये सड़क जो है वेट के कारण धसती जा रही थी। बारिश की सीज़न में हमें ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई गाड़ी इसके अंदर समा जाएगी और जनहानि भी हो सकती है। तो 4-5 दिन पहले स्टैंड रोड व्यापारिक संघ की तरफ से हम चिन्मय जी के पास गए थे, निगम आयुक्त के पास, उन्हें अपील करी कि आप ये सड़कों में जो पानी भरता दुकानों के आगे और अंधेरी पुलिया का निर्माण कराएं, क्योंकि ये ब्लॉक कम से कम 11 महीने से यहाँ पड़े हुए हैं और कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। तो उन्होंने AN साहब जो राजेश जी हैं वो बाहर गए हुए थे कि हम दौरा करेंगे 2 दिन बाद और इसका निर्माण करेंगे, फिर उन्होंने कार्रवाई चालू करी। लेकिन कार्रवाई करी ये बहुत अच्छी बात है, इसमें एक तरीके से व्यापार भी व्यापारियों का बाधित हो गया, क्योंकि एक तरफ से उन्होंने वन वे कर दिया और दूसरी तरफ जो है ग्राहक की आवाजाही बिल्कुल रोक दी, क्योंकि आगे जो केसरगंज का बाटा तिराहा है वहाँ से ट्रैफिक को बिल्कुल यहाँ आने के लिए बंद कर दिया, आगे भार्गव ऑप्टिकल जो KEM है वहाँ से बंद कर दिया, तो इस साइड के जो दुकानदार हैं वहाँ पर दुकानदारी बिल्कुल ख़त्म हो गई। सामने ट्रैफिक की वजह से व्यापारियों के यहाँ जो ग्राहक रुकते हैं उन्होंने रुकना बंद कर दिया। तो परसों हमने TI मैडम को बुलाया, सुनीता गुजर को, और उनसे हमने शिकायत करी, उनसे दौरा भी कराया, तो उन्होंने कहा ये जो रेलिंग है ये ADA के अंदर में आती है, तो मैं उनको लेटर लिख के ये रेलिंग बीच में से हटाने का प्रयास करूँगी और केसरगंज से जो वन वे कर रखा है वो यहाँ से डिवाइड होगा ट्रैफिक, तो जिससे ग्राहकों की और नागरिकों की आवाजाही हो जाएगी। कल जनसुनवाई कार्यक्रम था देवनानी जी के यहाँ, जो कि उत्तर विधानसभा क्षेत्र के हमारे विधायक हैं, मैं उनके पास भी गया था, उन्हें लिखित में दिया और उन्होंने कहा कि मैं इसमें जल्दी से जल्दी सुचारू करूँगा। ADO को एप्लीकेशन देने के बाद आज देखते हैं क्या कार्रवाई होती है कि ये जंगले जो कुछ मीटर की दूरी पर हैं इनको हटाया जाए, क्योंकि कम से कम 600 मीटर का फासला है, ट्रैफिक पूरी तरह से प्रभावित है और व्यापारी बिल्कुल ठाले बैठे हुए हैं। आप खुद देख सकते हैं अभी
कि एक दुकान पे कोई ग्राहक नहीं है। सामने जो ट्रैफिक चल रहा है वो केवल लोगों की मजबूरी है कि वो इस हिसाब से जा रहे हैं। 11 बजे क्या करते हैं, बैरिकेडिंग लगा के जो मॉडर्न ब्रिज से व्यापार जो आ रहा है आवाजाही, वो बिल्कुल केसरगंज से पड़ाव होते हुए मदार गेट कनेक्ट कर रही है, तो व्यापार बिल्कुल चौपट हो गया है। और ठेकेदार जी से हमने जब बात करी तो कम से कम 15-20 दिन इस काम में लगेंगे, लेकिन बारिश की सीज़न जिस हिसाब से है शायद हो सकता महीने भर से ज़्यादा लग जाए। महीने भर में व्यापारी लाखों रुपए का अपना माल लगा के बैठा है, वो क्या करेगा। हम दो दिन में इतने हताश हो गए हैं, इसलिए हमारी दरख्वास्त है प्रशासन से कि व्यापारियों का, नागरिकों का ध्यान रखें, इन जंगलों को हटाएं और ट्रैफिक की आवाजाही सुगम हो। हम व्यापारी पूरी तरह सहयोग करने को तैयार हैं। बालेश गोयल, स्टैंड रोड। भगवान भोलेनाथ की सवारी कहा जाने वाला नंदी बैल अजमेर की माकड़ोली रोड स्थित शिव मंदिर के अंदर दूध पी रहा है। जी हाँ, सही सुना आपने, अजमेर के माकड़वाली ग्राम स्थित शिव मंदिर पर सोमवार को एक नंदी बैल के दूध पीने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें यह दिख रहा है कि शिवलिंग के पास ही विराजमान नंदी को लोग चम्मच से दूध पिला रहे हैं और वह दूध पी रहा है, जिसके बाद से मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। सभी में नंदी को दूध पिलाने की होड़ मच गई है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बैल चम्मच से दूध पी रहा है, वही लोग इसको भगवान शिव का चमत्कार भी बता रहे हैं। आज सावन का दूसरा सोमवार है और इस तरह से चमत्कार इतना लोगों के लिए काफी लाभदायक बताया जा रहा है। लोग अपनी मन्नतें मांगकर नंदी को दूध पिलाने पहुंच रहे हैं और काफी संख्या में मंदिर में भीड़ पहुंच रही है। हालांकि होराइजन इन न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। सिटी बस टेम्पो यूनियन ने कलेक्ट्रेट के बाहर अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। अजमेर शहर सिटी बस टेम्पो यूनियन द्वारा आज कलेक्ट्रेट के बाहर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया, साथ ही कलेक्टर को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया। इसमें बताया गया कि सन 2006 से अजमेर शहर में रेलवे स्टेशन रोड से होकर गुजरने वाले समस्त स्टेट कैरेज के रूट पर मेट्रो प्रशासन ने बैन लगा रखा है, जिसका मुख्य कारण है रेलवे स्टेशन रोड पर यातायात का अत्यधिक दबाव का होना। लेकिन परिवहन विभाग और जिला समिति के सदस्य द्वारा मुंबई के व्यक्तित्व विशेष की लिमिटेड फर्म को रेलवे स्टेशन रोड से निकलने वाले प्रत्येक रूट पर बसों के परमिट जारी कर दिया है। जिला यातायात समिति के सदस्यों को शायद शहर की जमीनी हकीकत नहीं मालूम। एक तरफ से तो प्रशासन और शहर के जनप्रतिनिधियों ने मिलकर लगभग 500 परिवारों को, जो शहर के विभिन्न रूटों पर अपने वाहन संचालित करते थे, उनको शहर की बदहाल यातायात व्यवस्था का हवाला देकर शहर के बाहरी रूटों पर चलने के लिए बाध्य कर दिया है। और इन सभी बड़ी सिटी बसों को रेलवे स्टेशन रोड से होकर संचालन कराया जा रहा है, जिसका बस और टेम्पो यूनियन कड़ा विरोध करते हैं और इसको जल्द बंद करवाने की मांग करते हैं। पुष्कर लिमिटेड सिटी बस सेवा के विरोध में आज अजमेर शहर सिटी बस एवं टेम्पो यूनियन के संयुक्त तत्वाधान में हम सब एकत्रित होकर उन अजमेर में जो सिटी बस सेवा चलाई है राज्य सरकार ने, उसके विरोध स्वरूप हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है और उनको चेतावनी दी है। अगर ये नगरीय सेवा जो राज्य सरकार ने चलाई है इसको जब तक बंद नहीं कर दिया जाएगा, उस अनिश्चितकालीन हड़ताल हमारी 2 तारीख से सभी नगरीय रूटों पर रहेगी। आज किससे मिले हैं? आज कलेक्टर साहब से मुलाकात करी है, उनको हमारी समस्या के संदर्भ में हमने बता दिया है कि हमारे हर सिटी के रूटों पर, जबकि 2006 से नगरीय रूटों के छः से 2006 से नगरीय रूटों के सभी परमिटों पर बैन लगाया हुआ है राज्य सरकार ने, जबकि राज्य सरकार ने अभी ये 2-3 दिन से नगरीय सेवा चला दी है। अगर रूटों पर प्रतिबंध था तो फिर इन राज्य सरकार ने इन बसों को परमिट क्यों दिया, हमारी मुख्य मांग ये है। और अगर इनको दिया तो फिर हमारे कुछ रूटों के गाड़ियां हैं 4, 5, 6, 7, उनके वाहनों को 15 दिन अंदर 15 दिन बाहर चलने पर क्यों पाबंद करा गया, अकेला व्यवहार हो रहा है सोते। इसलिए हमने कलेक्टर साहब से मांग करी है, जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे, उसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन और परिवहन विभाग की रहेगी। परिवहन अधिकारी को भी अपन ने और इससे पूर्व भी हमने कलेक्टर साहब को किराए से संबंधित ज्ञापन दिया हुआ है, क्योंकि हमारी किराया सूची 2008 से अभी तक रिवाइज नहीं हुई है, तो उस संदर्भ में हम कुछ समय पहले कलेक्टर साहब को ज्ञापन देके गए थे, उनको भी वापस निवेदन करा कि हमारी किराए की सूची रिवाइज कराई जाए, हम 2008 के किराए से चलने के लिए पाबंद नहीं है, इसलिए 2019 के हिसाब से हमारी किराया सूची रिवाइज कराई जाए, और अगर हमारे किराया में अगर संशोधन नहीं कराया गया तो इसकी भी समस्त, जो भी अगर हम आंदोलन करते हैं इसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। आपका नाम बताएं? मुकेश यादव, अजमेर शहर सिटी बस टेम्पो। बाबा बालकनाथ बगीची मंदिर के महंत के साथ कल रात हुई मारपीट, महंत जसवंत नाथ ने साधु राम और उनके परिवार पर लगाया मारपीट का आरोप, पुलिस कप्तान को कार्रवाई के लिए सौंपा ज्ञापन। आज बाबा बालकनाथ बगीची मंदिर के महंत जसवंत नाथ अपने साथ हुई मारपीट को लेकर पुलिस कप्तान के पास सुरक्षा की गुहार लगाने पहुंचे। जसवंत नाथ महाराज ने बताया कि कल रात साधु राम और उनके परिवार द्वारा
जसवंत नाथ महाराज के साथ जमकर मारपीट की गई। जसवंत नाथ महाराज ने पूरा मामला बताया कि साधु राम और उनके परिवार द्वारा मंदिर के आसपास अतिक्रमण किया गया है और अब वह मंदिर को हड़पना चाहते हैं और बार बार महंत को मंदिर ध्वस्त करने की धमकी देते रहते हैं। बाबा जसवंत नाथ का कहना है कि पहले भी पुलिस में शिकायत कर चुके हैं लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और कल रात उन्होंने फिर हमला बोल दिया, इसलिए आज बाबा जसवंत नाथ फिर से सुरक्षा की गुहार लगाने पुलिस कप्तान के पास पहुंचे हैं। वादा कब की घटना ये? ये कल रात की घटना है। आरती सेवा करके ना इसके बाद ये पूरा परिवार आए, 20-30 लोग लट ले गए ना, भक्तों पे छूट के लट चलाने लगे ना और हम पे लट चलाया ना, सबने घेर के ना, जब भग भग गए ना तब मेरे ऊपर ना, हम अकेला बचा ना। तो मारपीट क्यों हुई थी? मारपीट कुछ नहीं, इनका इनका रोड़ा है, अतिक्रमण कर रखा है ना, इनका मकसद है कि ये भग जाए, हम कैसे करके इधर देखो कब्जा कर लूँ ना अपना। कितने समय से वहाँ पर? वहाँ 2008 से हूँ। कौन लोग है वो? और शंकरिया गुजर और उनका पूरा परिवार, नीलम तो पिंकी पिंकी। तो ये आपका अभी तक कोई इलाज नहीं कराया क्या आपने? क्यों थाने में FIR वगैरह दर्ज करवाई आपने? थाने में क्या, हफ्ता भर पहले यही कंप्लेंट दे गए थे यही से। SP साहब को? हाँ। क्या बोला SP साहब? SP साहब ने चेकिंग के लिए लिख दिया, चेकिंग करेंगे ना, और जब तक दोबारा फिर ये हो गया ना, चेकिंग अभी उनकी हो ही गई है ना। कल एक दो आठ नंबर पे फोन भी किया ना तो आया इंसान, आया पुरोहित साधन, तो उन्हीं की तरफ बढ़ रहा कि भक्तों पे लाट चलाओ ना पुलिस वाले, हमारी जगह तो उनकी हेल्प कर रहा है ना। आपका नाम? ठीक है। हमारा नाम जसवंत नाथ है। कौन से मंदिर पे रहते हो? बालकनाथ की बगीची मंदिर, काली माई का ना। कहाँ पर है ये? पहाड़गंज, आसागंज। अजमेर में इंद्रदेव हुए मेहरबान, शहर में जमकर बरसी बारिश, सुहाना मौसम का मजा उठाने घरों से बाहर निकले लोग। 3 जुलाई को अजमेर में मानसून ने दस्तक तो दे दी थी लेकिन 3 दिन बरसने के बाद इंद्रदेव फिर अजमेर से लौट गए थे और 10 से 15 दिन तक अजमेर में एक बूंद भी बारिश नहीं हुई थी, जबकि राजस्थान के अन्य जिलों में जमकर बारिश की खबरें सुनने में आ रही थी। लेकिन 3 दिनों से अजमेर में इंद्रदेव मेहरबान हुए बैठे हैं, लगातार 3 दिनों से अजमेर में बारिश हो रही है। आज भी शहर के कई जगहों पर अच्छी वर्षा देखने को मिली। अजमेर में 3 दिनों से मौसम की वजह से लोग भी अपने घरों से निकल रहे हैं और मौसम का मजा उठाने के लिए पुष्कर चौपाटी, अजयपाल जी ऐसे पिकनिक स्पॉट पर पहुंच रहे हैं। DAV कॉलेज में ABUP ने 4 सूत्री मांगों को लेकर प्रचार्य को सौंपा ज्ञापन, कॉलेज में सीट बढ़ाने, NCC ग्राउंड की सफाई जैसी मुख्य मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। आज तनज महाविद्यालय में ABUP इकाई द्वारा प्रचार्य को 4 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें सबसे पहली मांग छात्रवास का निजीकरण निरस्त किया जाए, दूसरी मांग छात्रों ने कॉलेज में सीटें बढ़ाने को लेकर की, तीसरी मांग NCC ग्राउंड की साफ सफाई को लेकर की गई, वह चौथी मांग BSc BA BCOM में इंग्लिश अध्यापक को लेकर की गई। छात्र का कहना है कि अगर एक हफ्ते के अंदर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बताओ आज किस संदर्भ में? आज महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की इकाई द्वारा 4 सूत्री मांगों पर ज्ञापन दिया गया, जिसमें पहली मांग ये थी कि जो हॉस्टल जो DAV का छात्रावास है उसको क्या इन्होंने निजीकरण कर दिया है, तो उस पर हमने जोर दिया कि उसको निजीकरण ना करके प्राथमिकता DAV कॉलेज को दी जाए, जहाँ DAV संस्था आती है वहाँ दूसरे कॉलेजों का काम नहीं, कल को कोई वातावरण बिगड़ता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो प्रिंसिपल ने हमें आश्वासन दिलाया कि प्राथमिकता हमेशा DAV वालों को देगी, उसके बाद भी अगर रूम खाली रहते हैं तो उसको PG करके दूसरे कॉलेज को दिया जाएगा, समझ जिम्मेदारी प्रिंसिपल की जी रहेगी। और दूसरी मांग ये थी कि सीटों को लेकर BA में जो जिस प्रकार सीटें फुल हो चुकी है उसमें स्टूडेंट परेशान हो रहे, बार बार आ रहे, गांव से दूर दूर आ रहे, जिनके फॉर्म जमा उनके भी एडमिशन नहीं ले जा रहे, उन पर जोर दिया कि सीटें बढ़ाई जाए, चाहे इसके लिए हमें कॉलेज बंद करना पड़े, 7 दिन का हमने मौका दिया है सर को, उसके बाद अगर सर ने कोई सुनवाई नहीं करी तो हम जोर आंदोलन करेंगे, छात्रों को भूखड़ता पर भी बैठना पड़े, छात्रों के लिए बैठा जाएगा। तीसरी मांग हमारी ये थी जो NCC का ग्राउंड है उसमें अनावश्यक जानवर घूमते, बड़ी बड़ी घास, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, कल को 3 ग्रुप बैठा था स्टूडेंट का, कल उनके सामने से साफ निकला, उसके बाद प्रिंसिपल ने एक्शन लेकर सांप को यहाँ से महाविद्यालय से बाहर निकाला था। चौथी मांग हमारी ये थी जो क्लासेस लगती है BA BCOM BSc की, यहाँ के टर्म्स एंड कंडीशन है कि दोनों क्लासेस ली गई इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में, परंतु उसके बावजूद यहाँ पे इंग्लिश मीडियम का लेक्चरर नहीं है, इंग्लिश मीडियम पढ़ाने को बोलते हैं तो बोलते हैं कि तुम 4 जने हो और तादाद 40 हिंदी मीडियम की ज्यादा है तो हम इंग्लिश में नहीं पढ़ाए जाएंगे, तो उसकी समस्या का निदान करने के लिए प्रिंसिपल सर ने आश्वासन दिया है कि हम कल से लेक्चर लगा दिए जाएंगे। और पांचवी मांग ये थी हमारी कि जो ID कार्ड वितरण हो रहा है, ID कार्ड वितरण में एक तो समस्या की दिक्कत हो रही है, जगह का दिक्कत हो रही है, पहले कंप्यूटर लैब में किया था उसके बाद लाइब्रेरी में कर दिया गया था तो स्टूडेंट को काफी दिक्कत हो रही है, तो उस समस्या को लेकर हम प्रिंसिपल के पास आए थे और सर ने बोला कि ये समस्या आज के बाद निपट जाएगी। विशाल सिंह रावत, महानगर सहमंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, महानगर।
कॉलेज में सीटें बढ़ाने को लेकर दयानंद महाविद्यालय के छात्रों ने किया धरना प्रदर्शन, प्राचार्य ने दिया आश्वासन, छात्रकल विश्वविद्यालय पर भी करेंगे प्रदर्शन। आज दयानंद महाविद्यालय कॉलेज पर कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज में गांव ढाणी दूर दराज से आने वाले छात्रों के लिए सीटें बढ़ाने को लेकर प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा और एक धरना प्रदर्शन भी किया। छात्रों का कहना है कि विद्यार्थी दूर दूर से महाविद्यालय में एडमिशन लेने आते हैं, लेकिन सीटें खत्म होने की वजह से एडमिशन से वांछित रह जाते हैं। छात्रों का यह भी कहना है कि पिछले कई सालों से महाविद्यालय में सीटें नहीं बढ़ाई गई है, जिसको लेकर कल विद्यार्थी विश्वविद्यालय पर भी प्रदर्शन करेंगे और जब तक कॉलेज में सीटें नहीं बढ़ाई जाएगी तब तक छात्रों का आंदोलन जारी रहेगा। आज हमने छात्र हित की मांग को लेकर के गांव और कस्बे ढाणी से आने वाले विद्यार्थी की मांग को लेकर के जो महाविद्यालय में वंचित जो छात्र हैं जिनका प्रवेश नहीं मिल रहा है, प्रत्येक विद्यालय में विश्वविद्यालय में सीटें बढ़ाई जाती है। ये एक ऐसा दयानंद महाविद्यालय इसमें पिछले 5 सालों से कोई भी सीटें नहीं बढ़ी हैं, उसको लेकर के हमने सीटें बढ़ाने लेकर के प्राचार्य मोदी को ज्ञापन दिया है। यदि हमारी सीटें नहीं बढ़ती है तो हम विश्वविद्यालय में जाएंगे, विश्वविद्यालय में जाएंगे, उसके बाद फिर भी कार्रवाई नहीं होती है। उच्च शिक्षा मंत्री, चाहे हमें इस कॉलेज को बंद कराना पड़े, चाहे हमें रोड पर बैठना पड़े, ये छात्र हित की मांग है। क्योंकि हम गाँव और कश्मीर ढाणी से आते हैं, हमारा ये वंचित रह जाता है, हम यहाँ आते हैं, हमारे NCC के लिए आते हैं, हम ये फिजिकल डिपार्टमेंट के लिए आते हैं, बहुत बड़ा महाविद्यालय है, तो ये सुविधा नहीं मिल पाती है, तो इसको लेकर हम धरना प्रदर्शन किया है। ये हमारा धरना प्रदर्शन कल हम विश्वविद्यालय में जाएंगे और आगे से आगे कार्रवाई करेंगे। सीताराम दयानंद महाविद्यालय। लोकसभा की तरह ब्यावर सदस्यता में भी बढ़त करें, बोली सांसद दिया कुमारी। सांसद दिया ने भाजपा सदस्यता अभियान व अन्य कार्यक्रमों में लिया भाग। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रव्यापी सर्वस्पर्शी सदस्यता अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा, बजियमो, OBC प्रकोष्ठ, SC मोर्चा व महाराणा प्रताप मंडल द्वारा आयोजित संयुक्त कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद दिया कुमारी का महिला मोर्चा द्वारा चुनरी उड़ाकर, युवा मोर्चा द्वारा साफा एवं तलवार भेंट कर व अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा भीमराव अम्बेडकर का चित्र भेंट कर OBC मोर्चा ने तलवार भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान क्षेत्रीय सांसद दिया कुमारी ने कहा कि भाजपा द्वारा उन्हें प्रत्याशी बनाने के बाद उन्हें ब्यावर सहित पूरे राजस्थान लोकसभा क्षेत्र में उन्हें जो अपनापन और प्यार मिला है उसकी पूर्ति में विकास कार्य करवाऊंगी। दिया कुमारी ने कहा कि जिस प्रकार राजस्थान लोकसभा क्षेत्र से ब्यावर से मुझे सर्वाधिक बढ़त मिली है, उसी प्रकार ब्यावर से सदस्यता में सर्वाधिक बढ़त होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण और वृक्षरोपण पर सरकार का इतना फोकस है कि संगठन से सदस्यता अभियान को वृक्षरोपण से जोड़कर पार्टी के सामाजिक सरोकार को साबित किया। विधायक शंकर सिंह रावत ने सांसद महोदय को क्षेत्र के कुछ रेलवे अंडरपास के गलत निर्माण की वजह से उसमें नागरिकों के डूबने की घटनाओं पर चिंता जताते हुए उसे दुरुस्त करवाने की आवश्यकता जताई। उन्होंने समस्त कार्यकर्ताओं से सदस्यता अभियान में मजबूती से जोड़कर कीर्तिमान बनाने का आग्रह किया। सदस्यता अभियान में संभाग प्रभारी पूर्व विधायक देवीशंकर भूदड़ा ने कहा कि भाजपा प्रत्येक कार्यकर्ता सदस्यता अभियान को एक आंदोलन की तरह तय समय पर पूर्ण कर अपने अपने लक्ष्य प्राप्त करें। महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष इंदु शर्मा व अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष मुकेश गोयल ने भी संबोधित किया। इस मौके पर अनेक भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्तागण मौजूद थे। और उनको कुछ ये भी दिया होगा कि इतने घर में बनाने हैं। मैडम भूतरा जी तो अजमेर जिले के नहीं, उनको पूरा सबको संभाग का आपको दे रखा है, जिम्मेदारी दे रखी है। और सदस्यता अभियान में उन्होंने अलग अलग जगह के अलग अलग प्रभारी बनाए हैं, संयोजक बनाए हैं, सहसंयोजक बनाए हैं। उन सभी को कोई ना कोई एक आंकड़ा दिया होगा कि भाई इस आंकड़े तक तो आपको बनाना ही बनाना है। वैसे तो हमारी पार्टी पूरे देश में क्या विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन कई सदस्य हैं ऐसे जिनको समझ में नहीं आता हमारी पार्टी किस चीज़ के लिए खड़ी होती है, हमारी पार्टी का उद्देश्य क्या है। इस बार जितने भी नए बनेंगे उनको प्रॉपरली समझा के उसके बाद सदस्य बनाना है। और आप तो देखेंगे कि आपको ज़्यादा कुछ बोलना ही नहीं पड़ता, बहुत लोग आगे होकर सदस्य बनना चाहिए। मंडी मिट्टी में कलेक्टर सभागार में बारिश को लेकर हुई चर्चा। भारी बारिश होने की वजह से NDRF और SDRF की टीम को हर समय तैयार रहने के दिए निर्देश। सभागार में अन्य विभागों को लेकर भी हुई चर्चा। कलेक्टर सभागार में पूरे हफ्ते कार्य करने को लेकर मंडी मीटिंग का आयोजन हर मंडे को किया जाता है। आज भी मंडी मीटिंग में सबसे पहले तो बारिश को लेकर चर्चा हुई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर आनंदीलाल वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया कि पीसागर, मसूदा, सरवाड़, केकड़ी इन जगहों पर भारी वर्षा और वर्षा का पानी भरने की सूचना प्राप्त हुई है। बारिश भी लगातार जारी है, उसी को लेकर NDRF और SDRF की टीम को हर समय तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा बैठक में विजिलेंस, बिजली विभाग, मेडिकल विभाग को लेकर भी चर्चा की गई। साथ ही विधानसभा सत्र में हो रही घोषणाओं को लेकर अजमेर के लिए क्या कार्य किए जाने हैं उसको लेकर चर्चाएं की जा रही है। सर आज मंडे मीटिंग का आयोजन हुआ, किस तरह की बैठक रही? आज जिला स्तरीय विभागीय अधिकारियों की मीटिंग हुई, जैसा कि मंडे मीटिंग में बात हुई थी। तो आज विशेष जोर इस बात पर दिया गया कि जो बारिश की स्थिति पूरे राजस्थान में है, पूरे जिले में है, बहुत अच्छी बारिश हुई है और कई जगह पानी भरने की समस्या भी आई है। तो सभी अधिकारियों को मतलब जो है इस बारे में सतर्क रहने के लिए तो कहा गया है। जहाँ भी जनजीवन इस प्रकार से प्रभावित होता है उसकी तुरंत व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिए हैं। और
जो पूर्व योजना अनुसार जो जो आवश्यक वस्तुएं आवश्यक चीज़ें हैं इसके लिए उसकी तैयारी और प्लस NDRF SDRF उनकी विशेष व्यवस्थाएं की गई है और सिविल डिफेंस के जवानों को सब सब रीजन में तैनात किया जा रहा है अब ताकि किसी प्रकार की अनहोनी कोई हो तो तुरंत उस पर व्यवस्था कर सके। कुछ चिन्हित किए सर जगह? ज़्यादातर सरवाड़ में, मसूदा में और पिसांगन साइड में, केकड़ी साइड में, इन साइड में ज़्यादा बारिश हुई है और पुष्कर साइड में, तो इन इस तरफ विशेष ध्यान रखने के लिए बात हुई। इसके अलावा कुछ चर्चा सर? इनके अलावा जो विभागीय जो चर्चाएं हुई है उसमें मेडिकल डिपार्टमेंट और PHED, बिजली विभाग, PWD और इन सब विभागों से विशेष एहतियात और सतर्कता बरतने के लिए निर्देश दिए हैं और जो पंचायती राज के जो तालाब हैं उनका एक निश्चित सर्वेक्षण अभी कि कहाँ कहाँ क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या कमियां हैं, अभी से वो सर्वे करके उस पर चिन्हित करके तुरंत कार्रवाई करें ताकि बांधों में, तालाबों में जो लीकेज की समस्या आ रही है उससे निजात पाई जा सके। और WRD जो आपका सिंचाई विभाग है उसको भी विशेष सतर्क किया गया है कि उनके फील्ड के अधिकारियों को फील्ड में भेज करके इस प्रकार की कोई बात है तो उनको तकनीकी राय देने के लिए निर्देशित किया गया। कलेक्टर SP कॉन्फ्रेंस को लेकर के सभी अधिकारियों से बात की गई है और विशेष तौर पर जो आपका विधानसभा सत्र चल रहा है उसमें जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सदस्यगण जो चीज़ उठा रहे हैं उसके बारे में जो फील्ड की जानकारी है उसकी विशेष जानकारी और विशेष मतलब जो है उसकी जानकारी यहाँ देने के लिए कहा गया है। और दूसरा जो बजट में अजमेर ज़िले से संबंधित क्या खास हुआ है उसके बारे में जानकारी मांग रहे हैं और प्लस जो सरकार का जन घोषणा पत्र है जो कि उनकी दृष्टि पत्र कहा है सरकार के लिए जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात ही है तो जो ज़िले से संबंधित जन घोषणा पत्र के बिंदु है उनके बारे में हम क्या काम कर सकते हैं और सरकार की पॉलिसीज़ को ठेठ नीचे के लेवल तक अगर उसको इम्प्लीमेंट करने में कोई समस्या आ रही है तो ये हम लोगों से सभी अधिकारियों से चर्चा करके बात करेंगे और अगर कोई विशेष बात हुई तो इनको जो है कलेक्टर SP कॉन्फ्रेंस में उसको सरकार के ध्यान में लाएगा। पुष्कर घाटी की स्ट्रीट लाइट बंद होने की वजह से कांवड़ियों को आ रही है परेशानी। पुष्कर क्षेत्र के लोगों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। श्रवण मास चल रहा है इसमें कई कांवड़ियां पुष्कर घाटी से होते हुए अजमेर और पुष्कर के मार्ग पर चलते हैं लेकिन कुछ समय से पुष्कर घाटी की स्ट्रीट लाइट बंद है जिसकी वजह से रात में कांवड़ियों को आने जाने में परेशानी हो रही है। पुष्कर घाटी पर कई बड़े पत्थर भी पड़े हैं तो कहीं पर कांच भी बिखरे हुए पड़े हैं जिसकी वजह से कांवड़ियों को काफ़ी परेशानी आ रही है। इसलिए आज पुष्कर के क्षेत्रवासियों ने कलेक्टर को घाटी पर सुरक्षा और सुविधा मुहैया कराने की मांग की। आज हम जिला कलेक्टर महोदय को पुष्कर घाटी के अंदर स्ट्रीट लाइट है उनके बंद होने के कारण उनको वापस शुरू करवाने के लिए आए हैं। काफ़ी समय से स्ट्रीट लाइट है पुष्कर घाटी में बंद है जिससे काफ़ी दुर्घटनाएं ग्रस्त इलाका हो चुका है, वहाँ काफ़ी दुर्घटनाएं हो चुकी है। अभी श्रवण मास का महीना है, कांवड़ियों का आना जाना लगा रहता है कांवड़ यात्रा में, तो उनको काफ़ी परेशानियाँ हो रही है। मार्ग के ऊपर कहीं पर बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं, कहीं पर कांच भी पड़े हैं जिसके कारण कांवड़ियों के पाँव में कांच चुभ रहे हैं, उनको अति पीड़ा हो रही है। बहुत ही ये निराशाजनक है, ये धार्मिक भावनाओं के खिलाफ भी ऐसा चल रहा है। तो प्रशासन से यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द लाइटों को शुरू किया जाए और कांवड़ियों को जितनी अधिक हो सके उतनी अधिक सुरक्षा और सुविधाएं मुहैया कराई जाए। इसी प्रार्थना को लेकर आज हम जिला कलेक्टर महोदय से मिलने आए हैं और उनको ज्ञापन सौंप रहे हैं। नाम बताओ। पवन टाक। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील द्वारा 21 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। न्यू पेंशन स्कीम की रखी गई है मुख्य मांग। आज राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील द्वारा अपनी 21 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर को मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इनका कहना है कि प्रदेश में सभी जगह सभी जिलों में जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम और शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जा रहा है जिसमें मुख्य मांग न्यू पेंशन स्कीम की रखी गई है। मैं रामधन जाट जिलाध्यक्ष राजस्थान शिक्षक प्रगतिशील जिला अजमेर। आज 29 जुलाई को पूरे राजस्थान के अंदर सभी जिला मुख्यालयों पर राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील द्वारा शिक्षकों की 21 सूत्रीय मांगों को लेकर विशाल ज्ञापन दिया जा रहा है। उसमें पूरे साल जो हमारी गतिविधियां चलेगी उसका ज्ञापन है और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत को और शिक्षा मंत्री श्रीमान डोटोसरा जी को ये ज्ञापन इस कलेक्टर के माध्यम से जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से हम भेजे जाए भेजा जा रहा है और
इसमें पूरे साल की हमारी गतिविधियां हैं, हमें क्या करना है, शिक्षकों की कौन कौन सी मांगे हैं उनको मनवाना है, शिक्षकों के लिए कौन कौन सी लड़ाई लड़नी है, सारी मांगे इसके अंदर ज्ञापन में मौजूद है जो हम आज शिक्षक संघ प्रतिशील द्वारा पूरे राजस्थान में सभी मुख्यालयों से मेन मांगे है। न्यू पेंशन स्कीम है, पाते वेतन की है और सारी ये मांगे हैं जो हम ज्ञापन के माध्यम से आप भेजेंगे। नाम बताइए। मेरा नाम रामधन जाट, जिलाध्यक्ष राजस्थान शिक्षक संघ प्रतिशील जिला अजमेर। खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonhind.com। सच के साथ। Thank you.